अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो कल की बात मैं आपको पहले बताने लगा हूं कि कल मेरे साथ क्या हुआ और क्या होने वाला था, ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि धुंध कल भी काफ़ी थी और आज भी आप मौसम पीछे देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। पास पास से नज़र आ रहा है, दूर से वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दूध लेने में गया सुबह सुबह तो कार आ रही थी बहुत स्पीड के साथ एक उधर से, और वो जब मोड क्रॉस करने लगी, ठीक है, इधर से मैं भी आ रहा था बाइक पर, मेरे आगे एक और बाइक थी तो वो उस बाइक को हिट करने वाला था, ठीक है। उस आदमी ने बहुत कंट्रोल किया और उसके पीछे ही मैं था, मैंने भी अपनी बाइक कंट्रोल की तो वो कार वाले से स्पीड भी थी और धुंध भी थी, कार उसकी कंट्रोल नहीं हुई, उससे हैंडल नहीं हुई और वो सीधी फसलों में चली गई। ये पिक्चर आप देख सकते हैं ऊपर आ रही है। तो बाद में हमने उससे मैंने जाकर पूछा कि यार कैसे हो आप, ठीक हो ना, उसको चोट वगैरह उसको नहीं लगी, शुक्र अल्लाह पाक का, और बाकी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कार भी उसकी ठीक रही, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे नुकसान से बच गए, वरना बहुत ही नुकसान होना था। तो बाद में फिर जमशेर उधर पास ही गाँव, उधर से ट्रैक्टर मंगवाया, फिर कार बाहर निकाली तो उस भाई को फिर कहा कि यार ध्यान से ज़रा आप, ठीक है, जब हैंडल नहीं होती स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं किया करो। तो उसने कहा ठीक है यार, तकरीबन मुझसे थोड़ा सा बड़ा था तो उसको अल्लाह पाक ने सेहत बख्शी, ठीक है, ज़िंदगी बख्शी है। ऐसे एक्सीडेंटों की वजह से अक्सर लोग जान की बाजी हार जाते हैं, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने उसको भी महफूज रखा और साथ में हमें भी। तो आज हम जा रहे हैं दूध लेने, तो मौसम काफ़ी ख़राब है तो मैंने सोचा कि आपको साथ साथ दिखाता चलूं कि मौसम के क्या हालात बने हुए हैं और कैसे बाहर हम गाड़ी कैसे तरीके से हम जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है जाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी आज साथ साथ दिखाते चलें। तो चलते हैं फिर दूध लेने, तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। तो चलते हैं फिर। यार बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैं आ रहा था दूध लेकर उधर से जमशेर से, और इधर मैं नहर से जब मोड़ मुड़ने लगा तो कैन की रस्सी जो थी ये नीचे को हो गई, और कैन जब नीचे को हुई तो ये सड़क के साथ रगड़ी गई और नीचे से लीक हो गई, और तकरीबन कैन में 8-10 किलो दूध था, तो थोड़ा सा बचा है अभी 3-4 किलो, और जो 5-6 किलो दूध बाकी था वो सारा ज़मीन पर गिर गया है, और मुझे अभी बहुत ही दुख हो रहा है यार कि अल्लाह पाक का दिया हुआ रिज़क है, तो बहुत ही अफसोस हो रहा है।
600-700 रुपया हमारा जाया हुआ है यार। घर से भी डांट पड़नी है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नुकसान हुआ है तो मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है यार। जब से मैं दूध लेने जाता हूँ तकरीबन ये आज पहली मर्तबा का वाकया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी दुख हुआ है यार। दरअसल आगे भी कहानी यही होती है साथ। आज रात का दूध उनके घर था, वो हम लेकर नहीं आए थे या उन्होंने दिया नहीं था, तो इसलिए अभी उन्होंने कहा ये भी ले जाओ यार साथ। वो कैन ज़्यादा भर गई और वज़न की वजह से ये एक साइड को चली गई और फिर नीचे लगी और दूध सारा गिर गया नीचे और ज़ाया हो गया ना किसी। ये देखें यार, ये इधर से अभी भी कैन ऊपर से ना दूध ज़ाया हो रहा है, और अभी ये कैन मैंने उल्टी कर दी है ताकि दूध और मज़ीद ज़ाया ना हो। और ये देखें तकरीबन 5-6 किलो दूध है सारा, इधर नहर के करीब जितना भी दूध सारा मेरा ज़ाया हो गया। तो अभी मैंने घर कॉल किया भाई जैन को, वो आ रहे हैं कैन लेकर, उस कैन में ये दूध डालूंगा। पे मेरे पास एक और कैन मौजूद है लेकिन वो भी पूरा भरा पड़ा है, ये देख सकते हैं आप, फुल भरा हुआ है और अभी भी ये दूध लीक कर रहा है, तो मैंने इसे उल्टा करके इसमें डाला है ताकि दूध मज़ीद मत गिरे, इससे थोड़ा सा दूध की बचत हो रही है। और अभी भाई जैन आएंगे कैन लेकर, तो उसमें डालेंगे, तो फिर घर को वापस जाएंगे। और दुआ तो यही है कि घर से अब डांट ना ही पड़े। सो फाइनली गाइस, घर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूँ। तो घर आया जब मैं, तो भाई जैन भी साथ ही आए उधर से, तो मैंने घर आकर फिर बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो गाहक भी आए हुए थे सारे कि आज दूध लेट हो गया, तो इसलिए उधर ही इकट्ठे हुए थे घर ही हमारे आकर, तो सारे वो भी पूछ रहे थे। तो मैंने आकर सबको बताया कि यार ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मुझे ये डर था कि घर वाले आज डांटेंगे मुझे और काफ़ी बेइज्जती होगी, पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि यार मेरी मामा ने कहा कि बेटा आप सही सलामत घर आ गए हो, यही काफ़ी है हमारे लिए, बट थोड़ी सी एहतियात किया करें। तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह आगे से ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, जो किस्मत में था वो तो होना ही था। तो मुझे फिर भी टेंशन थी कि यार आज हमारा नुकसान हुआ है, तो अभी हमने जाना है काम पर अबू जान के साथ, मैंने नाश्ता वगैरह करके। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अपने दोस्त मीर साद को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।